अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम हाइपरबोला की एक और इक्वेशन ले लेते हैं। लेट्स से दिस इज 9y² - 4x² = 144। सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिख लेते हैं। यहाँ पे चूंकि हमारे पास एक्स स्क्वेयर के साथ माइनस का साइन है, तो हम वो वाली इक्वेशन लिखते हैं जिसमें हमारे पास एक्स स्क्वेयर के साथ साइन नेगेटिव का आता है। दिस इज y² / b² - x² / a² = 1। तो अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास ये जो राइट साइड ऑफ इक्वेशन है, इस पर 1 लाने के लिए हमें इस पूरी इक्वेशन को 144 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर इसको हम 144 से डिवाइड करें तो दिस बिकम 9y² / 144, 4/144, x² = 1। सो दिस बिकम 16 एंड दिस बिकम 36। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y² / 16 - x² / 36 = 1, जिसको हम लिख सकते हैं y² / 4² - x² / 6² = 1। अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे वर्टेक्स बनेंगे वो हमारे पास 60 और -60 बनेंगे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे वर्टेक्स हैं, और जो हमारे पास वाई एक्सिस पे वर्टेक्स बनेंगे वो हमारे पास 0, 4 और 0, -4 बनेंगे। और हमारे पास जो सी स्क्वेयर होगा यहाँ पे, जो डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द ओरिजिन होगा, वो हमारे पास चूँकि a² + b² होता है, तो ए स्क्वेयर क्या हमारे पास 16 और b² 36। 16 + 36 तो ये हमारे पास बन जाएगा 52। सो सी इज 52√, विच इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 7.2। अब हम इसको ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ओरिजिन है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास रेडियस क्या है, दिस इज 6। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो हमारे पास वर्टेक्स 1 है वो 6, 0, और जो हमारे पास वर्टेक्स 2 है विच इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, दिस इज -6, 0 वे 2। और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन पे रेडियस है वो क्या है हमारे पास 4, दैट मीन 1, 2, 3, 4। तो ये पॉइंट आपके पास 0, 4 है, और 1, 2, 3, 4 ये पॉइंट 0, -4 है। सबसे पहले ऑक्सिलरी रेक्टेंगल बना लेते हैं हम यहाँ पर, विच इज जितने भी वर्टेक्स हैं उनको हम मिला लें। ये हमने तमाम वर्टेक्स को मिला लिया तो ये हमारे पास एक ऑक्सिलरी रेक्टेंगल बन गई। अब इसके डायगनल्स हम ले लेते हैं, तो ये हमारे पास हाइपरबोला के एसिम्प्टोट्स आ गए हैं। यह हाइपरबोला चूँकि हमारे पास इस फॉर्म में है, लाइक y² / b² - x² / a² = 1, दैट मीन कि ये हमारे पास इस शेप में होगा, ये इसका वर्टेक्स और ये एसिम्प्टोट के साथ साथ आगे जाएगा, ये एसिम्प्टोट के साथ ही चलता जाएगा विदाउट टचिंग इट, और ऑन द अदर साइड दिस इज लाइक दिस वन। ये हमारे पास इस हाइपरबोला की शेप बन जाएगी, और इसके वर्टेक्स और इसके हमें फोकस तक की लेंथ विच इज 7.2, दिस इज 4 और 5, 6, 7 और 7.2। यहाँ पे हमारा फोकस पॉइंट होगा और 5, 6, 7 और 7.2 हमारा सेकंड फोकस पॉइंट यहाँ पर होगा। थैंक यू वेरी मच।